गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम प्रेम दुख सहता है इसके विषय में बात करेंगे। सांसारिक प्रेम जो होता है वो शर्तों पर आधारित होता है, क्योंकि संसार प्रेम की नींव को नहीं समझते। एक विश्वासी प्रेम की नींव को समझता है। पहला योना का 4 वचन 8 में लिखा है, वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जान पाया है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। हर एक विश्वासी ये बात समझता है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन संसार नहीं समझता है। संसारिक लोगों को ऐसा लगता है कि एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, हर एक बात को मानना, यही प्रेम है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम समझता है, प्रेम संभालता है और प्रेम सहता है। जब हम यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखते हैं, जब हम उनके बलिदान के विषय में सोचते हैं, तब हम दृढ़ता से कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम समझता भी है, संभालता भी है और सहता है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, ऐसी कोई भी खास बात हमारे अंदर नहीं थी। केवल परमेश्वर के प्रेम के कारण यीशु मसीह ने यह दुख उठाया। रोमियो का 5:8 को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया, जबकि हम तो पापी थे, किंतु यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। यह है परमेश्वर के प्रेम की सुंदरता। रूत की किताब को जब हम पढ़ते हैं, रूत की किताब में परमेश्वर के बिना शर्त के प्रेम को दर्शाया गया है। रूत और बोअज के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को दर्शा रहे जो उनका संसार के प्रति है। उस किताब के द्वारा परमेश्वर ये बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हर एक मनुष्य के लिए आज भी सहता है, दुख सहता है, ताकि लोगों को मन फिराव का मौका मिले। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्यों दुख सहता है। क्या ऐसा कारण है कि परमेश्वर हमारे लिए, संसार के लिए इतना दुख सहते हैं, उनका प्रेम दुख सहता है। पहली बात, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के अंदर इतनी क्षमता है कि वो लोगों के जीवन को बदल सके। हम देखते हैं प्रेरितों का 9, पौलुस के जीवन, एक सताने वाला, एक विध्वंस करने वाला, केवल परमेश्वर के प्रेम के कारण कलीसिया को बनाने वाला बन गया, परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने वाला बन गया। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रेम इसलिए दुख उठाता है क्योंकि प्रेम चाहता है कि लोगों को उद्धार का मौका मिले। दूसरा पत्रस का 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं लगाता जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं, बल्कि वह हमारे प्रति धीरज धरता है, क्योंकि वह कभी भी व्यक्ति को नष्ट नहीं होने देना चाहता, बल्कि वह तो चाहता है कि सभी मन फिराव का मौका मिले, सभी व्यक्ति को मन फिराव का मौका मिले। इसके लिए परमेश्वर का प्रेम दुख सहता है। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का प्रेम इसलिए दुख सहता है ताकि लोगों को सुसमाचार सुनने का मौका मिले। आज भी हम देखते हैं कि संसार में कलीसिया के ऊपर सताव आते हैं, विश्वासी लोगों के ऊपर सताव आते हैं, और विश्वासी लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु कितनी देर आप रुकोगे, कब आप बदला लोगे। लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण अलग है। परमेश्वर इसलिए सहरे ताकि उन लोगों को भी सुसमाचार का मौका मिले, ताकि वो लोग भी यीशु मसीह को जाने और उद्धार में आए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में एक अद्भुत सामर्थ्य है कि लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आता है। जो बात शक्ति से और बल से नहीं होता है, वो बात केवल परमेश्वर के प्रेम से होता है। जब भी परमेश्वर किसी बात के लिए दुख सहते हैं, तब परमेश्वर वहां पर एक अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। वो फिर पौलुस का जीवन हो, चेलों का जीवन हो, आज आपका मेरा जीवन हो, इसीलिए परमेश्वर का प्रेम दुख सहता है और परमेश्वर का प्रेम चाहता है कि हर एक व्यक्ति को मौका मिले। अंत में आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो प्रेम समझता है, संभालता है और सहता है, वही प्रेम संसार के लिए एक उदाहरण का कारण बन जाता है। और इसका जीवित उदाहरण है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमें समझा है, यीशु मसीह आज भी हमें संभालते हैं, और यीशु मसीह आज भी संसार के लिए दुख सहते हैं ताकि लोग परमेश्वर को जाने। इस सुबह के समय परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।